हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा और देखकर समझ गए होंगे, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सोल्यूशन, जो कि एक हमारे पास देख सकते हैं आप एक हैंडसेट है जो कि अभी डेड कंडीशन में है। देख सकते हैं सारा पतरा वगैरह लगा हुआ है इसमें। मैं भी दोनों साइड बताऊँगा आपको, LCD में भी देख सकते हैं आप, सारा शील्ड लगा हुआ है। तो क्या क्या चेक करना है स्टेप बाई स्टेप देखेंगे हम, इसमें कोई काम किया हुआ नहीं है और अभी हम इसको पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये कोई एक रेडमी का मॉडल है, तो एक डेड फ़ोन आपके पास आ जाता है तो क्या क्या चीज़ें चेक करना है, कूल टेस्टिंग में क्या चेक करनी है, हॉट टेस्टिंग में क्या चेक करना है, सारा चीज़ आपको बताएंगे। एक मोबाइल में सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करते हैं बैटरी कनेक्टर के पास या पावर एसी के पास, डीसी टू डीसी के पास, सारा मोबाइल को एक बार हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं क्या कहीं हमको शॉर्टिंग मिलती है। कभी प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग हो सकती है, कभी सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग हो सकती है, कभी ICM के आउटपुट में शॉर्टिंग मिल सकती है, आपको देखनी है। इसके अलावा DC मशीन से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या मोबाइल के अंदर कोई शॉर्टिंग है क्या। अब इस हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि सारा पतरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह का आपके पास अगर फ़ोन आ जाता है तो कैसे चेक करना है हम बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो 2 सेकंड पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे हम डालेंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आप उस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास एक DC मशीन है और DC में हम अभी एक बार कनेक्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर और करके चेक करेंगे क्या DC में कोई R2 एम्पीयर ले रहा है क्या। तो हम कूल टेस्टिंग मेथड और हॉट टेस्टिंग मेथड दोनों तरीक़ों से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं कनेक्टर भी लगाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं सेम कनेक्टर है। तो एक बार मैं DC में कनेक्ट करूँगा और करके चेक करेंगे। तो वन साइड से मैं पहले कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 5 एम्पीयर ऑटो ले लिया है। तो मैं यहाँ से हटा दिया हूँ, हो सकता है उल्टा लगा लिया हो, तो आप पहले से चेक कर सकते हैं प्लस किधर है इसका, माइनस किधर है। यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में प्लस है इसका VBAT की सप्लाई मतलब वोल्टेज, और इधर ग्राउंड है। तो एक बार हम रिवर्स में भी लगा के आपको बता रहे हैं, ये देख सकते हैं बोर्ड को मैंने घुमा लिया है। हालांकि आप कूल टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं मल्टीमीटर पे कि प्लस किधर है और माइनस किधर है। तो ऐसा लगाने पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 5 एम्पीयर ले रहा है यहाँ पर। तो अभी मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पर प्राइमरी लाइन इसमें शॉर्टिंग है, एक तो कूल टेस्टिंग में पता चल गया। अब हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे और मल्टीमीटर से भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कूल टेस्टिंग में। तो आपको रेड प्रोब ग्राउंड करना है और ब्लैक से बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि इस साइड में ग्राउंड रहेगा इसका। ये तो हमारी लाइन देख सकते हैं, ये तो बीप के साथ साउंड आ रहा है 0.04 के आसपास, और इस तरफ जैसे मैं चेक कर रहा हूँ 0.06, मतलब ये भी लाइन बीप मार रही है। ये हमारी बैटरी की VBAT लाइन है, इसको पता करना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस इस साइड में है, मतलब बैटरी पर भी इस तरह से लिखा होता है। ये लाइन हमारी पॉजिटिव सप्लाई होगी VBAT की, और ये लाइन हमारी ग्राउंड। उसके बाद में आपको थर्मल लाइन मिलेगी, उसके बाद में ID लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी ये लाइन जो है जाकर कनेक्ट होती है यहाँ पर, और अगर मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्राउंड मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे भी ग्राउंड मिल रहा है। अगर बीप में ही साउंड के हिसाब से अगर देखें तो 0.004 मतलब मिली ओम्स यहाँ पे ले रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की VBAT की लाइन में देखेंगे तो थोड़ा सा ओम्स, 2 ओम्स थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बता रहा है। मतलब ये हमारी VBAT की लाइन है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी इसकी हो सकता है VBAT की ही सप्लाई हो, इससे कनेक्टेड हो। तो खैर, यहाँ पे हमारी प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। तो ये जो सप्लाई जाती है हमारी DC to DC के साथ कनेक्ट होती है। तो अभी हम एक बार पूरा PCB को बाहर निकालेंगे, ये देख सकते हैं, और उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे। ये देख सकते हैं कैमरे के पत्रे सारे लगे हुए हैं, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले कैमरे आउट करेंगे, क्योंकि वर्क करने के लिए आपको कैमरा जो है मत रखिए, क्योंकि डैमेज हो सकते हैं कैमरे का लेंस वगैरह। तो यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें 2 कैमरे हैं, इसको मैंने निकाल लिया है, और एक ये फ्रंट कैमरा है, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो इसको निकालने के लिए ये वाला जो टेप है इसको उठाना होगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसका कनेक्टर है, तो ये देख सकते हैं ये कैमरा भी मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा पतरा लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर पतरे लगे हुए हैं,
और इस साइड में इसका नेटवर्क सेक्शन हो सकता है। डेड बोल के लिखा हुआ है, कस्टमर का मोबाइल है ये। तो चलिए सबसे पहले इस साइड में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 4GPA जो कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, पेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं ये APT पावर मॉड्यूल, और यहाँ पे देख सकते हैं एक पर ये हमारा CPU वगैरह होता है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये शील्ड मैंने यहाँ से निकाल ली है, देख सकते हैं ये पत्रा हटाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पत्रे में आपको एक PMI 632 जो कि 502 वर्जन की एक IC लग के है, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 502 देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका चार्जिंग IC होता है, यहाँ पे VPH कॉइल है, यहाँ पे भी हम सप्लाई चेक करेंगे, और ये ग्राफिक IC भी होता है AC में। तो ये इसका CPU जो लग के इसमें SDM 632 CPU इसमें है, जो कि क्वालकॉम चिपसेट है, जो कि 100A सीरीज़ का CPU है। और SK हाइनिस का इसमें जो है MMC लग के है, जो कि H9TQ के नाम से आती है। तो ये तो हो गया हमारा A साइड। B साइड में पावर वगैरह जो है इसके नीचे है, मॉडल देखेंगे अभी क्या मॉडल है पता नहीं है। तो अभी बैटरी कनेक्टर की शॉर्टिंग तो हमको मिली। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे DC to DC के पास, ये इसका चार्जिंग IC है। तो मैं सबसे पहले कूल टेस्टिंग करूँगा VPH में। तो ये देख सकते हैं VPH लाइन यहाँ पे शॉर्ट बता रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल के एक साइड, और इस साइड भी अगर मैं देखूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रही है। और ये कैप देखिए शॉर्ट है यहाँ पर भी, और यहाँ पे देखेंगे तो ये तो ओके बता रहा है, मतलब एक तरफ ग्राउंड है। और अगर यहाँ पे बूट कैप की बात करें तो ये ओके है, मतलब IC के साइड तो ओके है, और अदर साइड अगर हम देखेंगे तो ये VPL लाइन में ये भी शॉर्टिंग है, मतलब वही शॉर्टिंग हमको यहाँ पे मिल रही है। तो अब हम इस कॉइल को एक बार रिमूव करके चेक करेंगे कि शॉर्टिंग इस साइड में है क्या इस साइड में है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूँगा मैं, कैपेसिटर्स देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा, कैपेसिटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे काले हो चुके हैं, हो सकता है वाटर डैमेज था होगा सेट, ये देख सकते हैं यहाँ पर जल चुके हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से इसमें, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हो सकता है ये IC ही शॉर्ट हो चुकी है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग है देख सकते हैं, यहाँ पे भी, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन ये जला हुआ लग रहा है। तो एक बार सारे कैपेसिटर्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो ग्राउंड आ रहा है अदर साइड, यहाँ पे भी शॉर्ट, यहाँ पे भी शॉर्ट, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है यहाँ ओके है, यहाँ भी ओके, मतलब ये सारा सेक्शन हमारा अभी शॉर्टिंग में है। और अगर 4GPA के पास अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग है हमको। और अगर इधर APD पावर के पास अगर देखेंगे इनपुट में तो ये देख सकते हैं इसके इनपुट में भी शॉर्टिंग बता रहा है यहाँ पर। तो हमारी VPH लाइन तो इसमें शॉर्ट है ये समझ में आ गया, और यहाँ पे जला हुआ भी है। तो अब हम इसमें रोज़न अप्लाई करेंगे, रोज़न लगा करके अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी वोल्टेज देकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये कॉइल रिमूव करेंगे और रिमूव करके देख सकते हैं कि IC के साइड में शॉर्टिंग आ रही है या किसी अदर साइड में शॉर्टिंग आ रही है। सबसे पहले तो हम ऐसे ही देखेंगे रोज़न लगा करके। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको हम रोज़न कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। 4GPA पे भी काम किया हुआ है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई एक कैप भी शॉर्ट हो सकता है या IC भी शॉर्ट हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देके चेक कर लेते हैं। जैसा ये हमारा VBAT का पिन था, DC में देख सकते हैं आप,
तो ये हमारा वीबैट का पिन रहा, जैसे मैं ग्राउंड के साथ सटाया हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइल भी गर्म हुआ है, यहाँ पे आईसी भी गर्म हो रही है। थोड़ा सा और कुछ देर और देकर देखेंगे, क्योंकि हम सेकेंडरी बैटरी की प्राइमरी लाइन में हम यहाँ पे वोल्टेज देकर चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं आईसी और कॉइल दोनों गर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कंफर्म करना है कि आईसी के साइड शॉर्टिंग है या कॉइल के किसी और साइड शॉर्टिंग है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आईसी को आप रिमूव कर सकते हैं या फिर कॉइल को रिमूव कर सकते हैं। तो कॉइल को रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो दोनों साइड बीप आ रही है। जैसे अगर आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा मैं, दोनों साइड बीप आ रही है, ये देख सकते हैं कॉइल के इस साइड भी बीप आ रही है, कॉइल के इस साइड भी। अब ये कॉइल निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से साइड शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम कॉइल को ही रिमूव करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कॉइल निकाल लिया है। अब हम देखते हैं ये आईसी के साइड शॉर्टिंग है या इस साइड में शॉर्टिंग है, फिर इससे पता चलेगा कि आईसी हमको उठाना है कि नहीं उठाना है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले यही चीज़, एक बार ठंडा करके भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है हीट की वजह से भी आपको शॉर्टिंग मिल सकती है। तो पीसीबी कूल होने का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर आईसी का भी फॉल्ट हो सकता है या कोई कंपोनेंट भी हो सकता है शॉर्ट, बट यहाँ पे अभी हमको दोनों साइड में ये देख सकते हैं दोनों साइड भी बीप मिल रही है। तो सबसे पहले आईसी को रिमूव करेंगे और आईसी रिमूव करके चेक करते हैं। आप नोज कट पॉइंट देखिए, ऊपर से राइट साइड में नोज कट पॉइंट है। क्योंकि जब पानी वगैरह चला जाता है, वाटर डैमेज होता है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेक्नीशियंस के पास जाता है तो वो साफ़ सफाई भी कर देते हैं, फिर समझ में नहीं आता है, या फिर डायरेक्टली आपके पास आएगा तो इस तरीके से ये कैप्स तो हमको जल के यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी हमने उठा लिया है, और सबसे पहले आईसी में बाजू रख देता हूँ, देख सकते हैं इस कंडीशन में निकली है। और पीसीबी को पहले क्लीन करेंगे, सबसे पहले नीचे जो बॉल है इसके क्लीन करके फिर आगे चेक करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग क्या दोनों साइड से शॉर्टिंग है। कुछ भी हो सकता है, आगे वीपीएस लाइन में कहीं और भी शॉर्टिंग हो सकती है और आईसी के साइड भी शॉर्टिंग हो सकती है। काम कभी कम भी आएगा, कभी ज़्यादा भी आएगा, आपको देखना है। चलिए इधर भी क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, पीसीबी को चारों ओर घुमा करके अच्छे से क्लीन करना है आपको। चलिए पीसीबी हमने क्लीन कर लिया है। अब हम ये देखते हैं इसमें कि ये जो हमारे कॉइल्स पर बीप आ रही थी, शॉर्टिंग आ रही थी, क्या अभी भी शॉर्टिंग आ रही है। तो उसके लिए रेड प्रोब ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तो बीप नहीं आ रही है, बट इस साइड में अगर अभी भी देखोगे तो अभी भी शॉर्टिंग है, मतलब वीपीएच लाइन अभी भी शॉर्ट है। और यहाँ पे भी देख लेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रही है। लेकिन एक बार वीबैट की शॉर्टिंग देखते हैं, क्या वीबैट में शॉर्टिंग जो थी हमारी, तो देख सकते हैं वीबैट में पहले यहाँ पे हमारा बीप आ रहा था, और यहाँ पे देख सकते हैं ये तो ग्राउंड ही है, और यहाँ पे भी देख लेंगे यहाँ भी बीप आ रही थी, मतलब ये दोनों लाइन तो एक ही थे, आपस में कनेक्टेड है। तो वीबैट का तो शॉर्टिंग हमारा हट चुका है, नॉर्मल वैल्यू आ गई हमारी, मतलब आईसी से भी फॉल्ट है। और एक फॉल्ट ये भी है इसमें के ये देख सकते हैं
इस साइड में अभी भी शॉटिंग मिल रही है। तो इनमें से अगर इन दोनों आईसीओ में से कोई शॉटिंग है या इन कैप में से कोई शॉटिंग है तो सबसे पहले यहाँ पे रोजन लगा के यहाँ पे वोल्टेज देंगे और वोल्टेज दे करके चेक कर लेंगे कि कहीं यहीं से तो शॉटिंग नहीं है, तो हो सकता है फिर आगे कहीं पावर वगैरह में भी शॉटिंग हो सकती है, क्योंकि वीपीएन लाइन आपकी बहुत जगह पे जाती है, कहीं से भी शॉटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले यहीं पे कंफर्म कर लेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, क्लियर करके चेक करेंगे। अगर सब कुछ सही है, यहाँ पे कहीं पे भी हीटिंग नहीं आती है, तो हम फिर जाएंगे पावर के पास। तो चलिए फिर से वोल्टेज देके चेक करते हैं। वोल्टेज देने के लिए ब्लैक प्रूफ कर देंगे ग्राउंड, और ये देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे एम्पियर बिल्कुल लो एम्पियर ले रहा है, देख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे गर्म होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल लो लीकेज है। तो वीपीएस लाइन में हमारी शॉर्टिंग तो है, बट यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी वीपीएस लाइन में जो शॉर्टिंग थी हमारी, तो कोई एक कैप जो शॉर्ट था वो अभी हमारा शॉर्टिंग जा चुका है, ये देख सकते हैं। इस साइड में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, और इस साइड में भी अगर देखोगे तो 300 के आसपास वैल्यू आ चुका है। मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर्स थे जो पहले बीप दे रहे थे, मतलब उसकी शॉर्टिंग तो जा चुकी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू नॉर्मल हो चुकी है, 300 के आसपास वैल्यू आ गया है। यहाँ का तो हमारा जो बीप था ये तो साउंड जा चुका है, मतलब कि यहाँ से भी हमारी शॉर्टिंग जा चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम एम्पियर से वोल्टेज और एम्पियर हम दे देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो जो लीकेज वाला कैप होता है वो इंटरनली वहाँ से वो ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी लाइन सही हो जाती है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है, ये आईसी तो मुझे नहीं लग रहा है कि काम करेगा, क्योंकि इस आईसी पर भी जला हुआ हमको नज़र आया था। तो हो सकता है वाटर डैमेज की वजह से आईसी शॉर्ट हो चुका है। तो पीएमआई 632 हम देखते हैं, हमारे पास एक दूसरी होगी तो डालेंगे उसमें, एक बार चेक कर लेंगे क्या पीएमआई 632 हमारे पास। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक यहाँ पे मॉडल है, एक नोट 8 प्रो का मॉडल है जैसा आप देख सकते हैं। तो इसमें से मैं निकालूंगा, इसमें जो लग के पीएमआई 632 902 लग के है, और हमारी जो पीएमआई 632 है, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 502 लग के हैं, ये देख सकते हैं। इसमें शायद दिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, मत देख सकते हैं पीएमआई 632 502 हमने निकाली है ये वाली, और अब हम इसमें 902 लगाकर चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे यहाँ से, और निकाल करके रिवॉल्व करके डालेंगे वापस, और फिर देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे वीबैट लाइन में शॉर्टिंग मिली हम, वीपीएच और वीबैट में शॉर्टिंग थी, क्योंकि डीसी टू डीसी जो था हमारा, वाटर डैमेज या किसी कारण ये पूरा शॉर्ट हो चुका था पूरा सेक्शन इसका।
चलिए ये आईसी हमने उठा ली है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले इसको ही रिवॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको डाल के चेक करेंगे। यूनिवर्सल में रिवॉल्व करेंगे, पीपीडी ले लेंगे थोड़ा सा। रिवॉल्व कर लेंगे और रिवॉल्व करके इसको निकाल के लगा कर चेक करेंगे। तो इसको इस तरीके से निकाल लेंगे बैक साइड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आईसी रिवॉल्व हो चुका है। एक बार साफ कर लेंगे अच्छे से। तो हमको जो लगाना है इसमें लगाना है। सारे बॉल बन चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका नोस्कट पॉइंट देखना है किस साइड में था और हम उसको उसी साइड में लगाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डस्ट दिख रहा है मुझे, इसको निकाल लेते हैं। अब हम नोस्कट पॉइंट जो था इसका ऊपर के साइड था, इस तरीके से ये इस तरीके से लगा हुआ था। तो थोड़ा सा फ्लक्स नीचे डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। चलिए आईसी को जो लगाएंगे हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मार्क दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। और फिर जो VPS का कॉइल है वो भी हमको लगाना है, तो उसको भी रख लेंगे ऊपर यहीं पे।
थोड़ा सा पीसीबी कूल होने देते हैं और कूल होने के बाद चेक करेंगे और आईसी लगाने के बाद आसपास कूल टेस्टिंग ज़रूर करें। कभी भी डायरेक्ट वोल्टेज ना दें, हो सकता है जो आईसी आपने स्क्रैप बोर्ड से डाली हो वो भी शॉर्ट हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पीसीबी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। पीसीबी जब ठंडा हो जाए तो हम मल्टीमीटर में चेक कर लेंगे कि क्या शॉर्टिंग हमारी वापस तो नहीं आ गई वीपीएच लाइन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 250 के आसपास वैल्यू आ रहा है और इस साइड में भी चेक कर लेते हैं, मतलब हमारी जो शॉर्टिंग थी वो जा चुकी है, ये देख सकते हैं। और इस कैप पे भी हमने देखा था तो ये भी शॉर्टिंग हमारी चले गई है, यहाँ पे भी हमको बीप मिल रही थी और यहाँ पे वीबैट पे भी हमने देखा था, मतलब 450 आ चुका है। और एक बार फॉरवर्ड में भी देख लेते हैं रिवर्स फॉरवर्ड, तो ये तो अभी ओके हो गया है। तो एक बार हम फोल्डर चेक कर लेते हैं लगा करके, क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमने आईसी बदल दी है इसमें। तो एक बार ऑन कर लेंगे, हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम हो। अभी जो शॉर्टिंग था वो तो हमारा जा चुका है, डीसी से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब बैटरी में कितना वोल्टेज है नहीं पता है, तो एक बार बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर बैटरी में वोल्टेज है तो हम बैटरी से ही ऑन करके चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए डीसी 20 में डालेंगे और बैटरी का वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बैटरी में कोई वोल्टेज नहीं है, पूरा शॉर्टिंग के कारण वोल्टेज तो बैटरी का पूरा ड्रॉप हो गया है, मतलब पूरा उतर चुका है। तो चलिए एक बार यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं हमारा पावर बैंक पावर केबल, और उसके बाद अभी इस तरह मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा यहाँ नज़दीक आइए। तो एक बार मैं यहाँ से पावर की दबा के ऑन करूँगा इसको, तो मोबाइल हमारा यहाँ पे वाइब्रेट कर गया और ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले भी ख़राब है इसका, रेडमी अभी आ चुका है तो यहाँ पे डिस्प्ले भी ख़राब है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, आपको दूसरा डिस्प्ले लगा कर बताएंगे, क्योंकि ये कस्टमर का डिस्प्ले इसी तरह से आया तो हमने यहाँ पर एक दूसरा नया डिस्प्ले मंगा के रखा है। तो एक बार मैं नया डिस्प्ले में लगा कर आपको बताऊँगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि रेडमी वगैरह लिख के आ चुका है। तो चलिए एक बार इसको पीसीबी में से निकाल लेते हैं और इसमें डिस्प्ले में फिट कर लेते हैं नए वाले डिस्प्ले में। तो नया डिस्प्ले मैंने फिट कर लिया है और यहाँ पे पावर केबल में लगा लेता हूँ यहाँ पर, और एक बार मैं ऑन कर दूँगा ट्विज़र से। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी का लोगो आ गया है हमारा, अभी मोबाइल भी है पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जो देख सकते हैं सेकंड लोगो यहाँ पर आ चुका है और स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे काम किया है, जैसा कि आपने देखा इसमें एक प्रोसेस होता है डेड मोबाइल को चेक करने का यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि हम लाइव क्लास में बताते हैं स्टूडेंट्स को, और हमारा नेक्स्ट बैच जो है 27 अगस्त से है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। थोड़ा सा यहाँ से ये हिल रहा है, तो जो सप्लाई की नॉलेज होती है एक एक लाइन की हम आपको नॉलेज देते हैं क्लास के अंदर, और यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और EMMC की पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाती है, UFS की पूरी प्रोग्रामिंग बताते हैं। डेड मोबाइल को बहुत इजी तरीके से आप चेकिंग कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर वो स्टेप आपको पता है तो बहुत आप इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ICO को बदलते रहेंगे तो इसमें आपका काम होने वाला है नहीं। तो एक अच्छे से एक टेक्नीशियन बनना है। लोग फ्रेंड्स मार्केट में कम दिनों में जा रहे हैं, कम फीस लेकर जा रहे हैं, तो इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे, क्योंकि आप किस तरह के इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं आप देखिए,
क्या वहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं, टीचर लाइव प्रिपेयर करके बताते हैं, क्या आपको 7-7 घंटा प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा है, ये सारा चीज़ देखिए। फोनफिक्स हैदराबाद में आपको यहाँ पे 3-4 घंटा थ्योरी होती है और 7-8 घंटा आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। 10-12 घंटे यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, तब तक अगर एक बच्चा अच्छे लेवल पे काम कर लेता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में।